डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मैथ के फंडामेंटल्स देख रहे थे, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इक्वल टू 4 प्लस रूट एक्स। इसको हमको सॉल्व करना है। अब रूट एक्स दोनों साइड है, तो ये रूट एक्स दोनों साइड है, तो उसको एक साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स। ये चला गया और हमारा आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहां से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमारा इस इक्वेशन से आ रहा है। अब क्या हम इसी को सॉल्यूशन कह देंगे? क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, दिस इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि x का जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसके लिए ये इक्वेशन डिफाइन होना चाहिए। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि फॉर x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू माइनस टू दे लेते हैं तो रूट एक्स जो है आपका इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड सॉरी इमेजिनरी नहीं, x लेस देन जीरो जो है इसके डोमेन में, रूट एक्स के डोमेन में नहीं है। x जो है ये x लेस देन जीरो जो है नॉट इन डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, नॉट इन डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है और इसका जो है डोमेन जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो है दिस इज नॉट दिस सॉल्यूशन। हमारा जो केवल सॉल्यूशन है वो है, द ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू x इक्वल टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन। x इक्वल टू 2 के लिए हमारा ये इक्वेशन डिफाइंड है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसके लिए, जो भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे उसके लिए इक्वेशन का लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस जो है, एलएचएस और आरएचएस दोनों डिफाइंड होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा नोट करते हैं, इसको जरा लिखते हैं। Only that solution is valid at which each term of the equation is डिफाइंड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी सॉल्यूशन ला रहे हैं उसके लिए इक्वेशन डिफाइंड है या नहीं। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्या देखना है इस केस में, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रहे, इस तरह से रहे इक्वेशन, तो डिनोमिनेटर से ये जो है इस नंबर से x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो जिस नंबर से डिवीजन हो रहा है हमारा, जब भी इस तरह का अगर है, इस तरह का चीज है, तो हमेशा जो है b जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व करते हैं b नॉट इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 के लिए ये वैलिड होता है, a इक्वल टू 0 के लिए वैलिड होता है। तो सेम वे हम लोग चलेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है x माइनस 2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2।
तो ये हमारा एक कंडीशन आ गया, एक कंडीशन हमारा ये आ गया कि जो भी सॉल्यूशन होगा तो वो 2 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 के लिए ये इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यानी कि न्यूमरेटर जो है इसका वो 0 होगा तब ये वैलिड होगा इक्वेशन। तो ये ऐसा है, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारा क्या आता है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, x इक्वल टू 1 और 2। हमने देखा था ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। तो ये दोनों कंडीशन वैलिड होने चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। यानी x नॉट इक्वल टू, यहां से आ रहा है, यहां से x इक्वल टू 1 2 है, दैट मींस x इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1 के लिए ही ये वैलिड होगा ये इक्वेशन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। Equal to one is only solution. Example का naming कर देते हैं, ये आज का example 1, example 2। हम लोग आगे exponential expressions देखते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा होगा। तो इस तरह का जो function है y equal to e का power x, x यहाँ x variable है, और given that a is greater than 0 and a is not equal to 1, ये दिया हुआ है। तो उस केस में इस तरह के एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हम कहेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा e to the power x जो है ये हमेशा greater than 0 होगा for all x element of R, चाहे वो x नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ भी हो, ये हमेशा जो है e to the power x greater than 0 होगा। For given this condition कि a greater than 0 and a equal to 1 के लिए ये होगा। तो अब सपोज आपको दिया हो 2 to the power x equal to minus 1, इसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, टू द पावर एक्स नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये जो है हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। इसी तरह से अगर कोई इक्वेशन हमको इस तरह से दिया हुआ है, टू द पावर एक्स लेस देन माइनस 2, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो भी नहीं होगा कभी भी, नो सॉल्यूशन। इसका भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें बेस्ड एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल 3 बोलते हैं, दो एग्जांपल्स पहले हमने कर लिए हैं। तो इसमें हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन है 4 टू द पावर x इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 4। इसको सॉल्व करना है, जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टू द पावर x को हम लोग ले सकते हैं 2 का पावर 2x, ठीक, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर ये इस तरह से 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 4। अब यहां पे अगर हम लोग 2 टू द पावर x को लेट्स टेक t इक्वल टू 2 टू द पावर x, अगर हम ये लेते हैं और अब ये इक्वेशन क्या होगा, अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आगे t का स्क्वायर, 2 का पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 4। t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो टी माइनस 4 टी प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से हमारा क्या आया, टी इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 1। दैट मींस टी की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे
2 to the power x equal to 4 comma minus 1. अब 2 to the power x जो है minus 1 नहीं हो सकता है, minus 1 नहीं हो सकता है, 2 to the power x negative नहीं होगा, तो ये हमारा solution नहीं होगा. तो हमारा solution क्या होगा, हमारा solution होगा 2 to the power x equal to 4. तो यहां से x का value क्या हो जाएगा, x equal to 2. यही हमारा solution होगा. This is answer. यही answer है. अब हम लोग आगे sine scheme की बात करेंगे. Sine scheme की बात करेंगे. Sine scheme for rational or polynomial function. Sine scheme for rational or polynomial function. ये देखेंगे. चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. सी समझते हैं. तो हमको कहा जा रहा है, फंक्शन है हमारा ऐसा एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय x माइनस 2 और x माइनस 4 का पावर 4. ये ग्रेटर देन 0. तो हमें x के वो वैल्यूज निकालने हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो है क्या है, ये रैशनल फंक्शन है. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी हमारा एक पॉलीनोमियल है, डिनोमिनेटर भी हमारा एक पॉलीनोमियल है. और ये जो है रैशनल फंक्शन है. इसको ये हमारा, इसको इस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्म में है हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और दोनों ही पॉलीनोमियल है. न्यूमरेटर भी हमारा पॉलीनोमियल है, दोनों ही पॉलीनोमियल. तो ऐसे केसेस में ये, इसको ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए. अब इस केस में ध्यान देने वाली बात ये है कि x माइनस 2 है नीचे और x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर है x माइनस 2, तो उसको तो हमें कैंसिल नहीं करना है. ये हमें कभी नहीं करना है कि इधर से x माइनस 2 का स्क्वायर है बाय x माइनस 2 है, तो ये ऊपर में केवल x माइनस 2 कर दिए, इसको सिर्फ कैंसिल कर दिए. ये तो करना, एक तो ये तो होगा ही, ये जीरो नहीं होने चाहिए, जो डिनोमिनेटर है हमको वो जीरो नहीं होने चाहिए. और ऐसे भी ग्रेटर देन का साइन है तो इक्वालिटी तो हम लोग लेंगे नहीं. तो ये कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही आपका 2 माइनस x का होल स्क्वायर भी हो सकता है. x माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस x का होल स्क्वायर. तो अब सपोज आपका ये, हमने अगर x माइनस 2 का स्क्वायर को इस तरह से है, केवल वही वाला फैक्टर मैं लिखता हूं, इसको अगर हम x माइनस 2 लिख देते हैं तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 यानी, और नॉट बी इक्वल टू 2 माइनस x फॉर सम गिवन वैल्यूज, क्योंकि ये हो सकता है आपका पॉजिटिव हो रहा हो और 2 माइनस x जो है नेगेटिव हो रहा हो. बट इसको हम लोग ये भी लिख ही सकते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर जो है बाय x माइनस 2 है, तो ये भी हमारा, ये भी वैलिड है, ये जो है हमारा वैलिड है, ये भी वैलिड है. और अब इस केस में आप क्या करेंगे, इसीलिए इसको इस तरह से नहीं करना है. ये साइन इसमें जो है, जहां हमको साइन नहीं पता है कि x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमको ये नहीं करना है. शुड नॉट बी डन, दिस शुड नॉट बी डन, डोंट डू इट. इसको मैं लिख देता हूं, डोंट डू इट. ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है. अब आगे देखते हैं हमारा जो है क्या है,
इस तरह से है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन जीरो है। तो अब पहले साइंस किंग के लिए अगर हम न्यूमरेटर को इक्वल टू न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो करते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके क्या सॉल्यूशंस हो जाएंगे। x इक्वल टू वन बाय टू एक होगा ये वाला से 2x माइनस वन से x इक्वल टू वन बाय टू और x इक्वल टू वन होगा x इक्वल माइनस वन का होल स्क्वायर से और x माइनस टू का होल स्क्वायर से x इक्वल टू टू होगा। इन केसेस के लिए न्यूमरेटर आपका जीरो होगा। अब डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा उसके जो ये है डिनोमिनेटर जीरो होगा हमारा x इक्वल टू टू और फोर पे। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हमारे न्यूमरेटर का रूट है या डिनोमिनेटर का रूट है। और एनीवे हमको सॉल्यूशन तो इसका निकालना नहीं है, ग्रेटर देन जीरो निकालना है, तो ये वैल्यूज पे इक्वालिटी तो होगा नहीं क्योंकि ये x इक्वल टू टू और x इक्वल टू फोर तो हो नहीं सकता है क्योंकि उस पर ये डिनोमिनेटर का अनडिफाइंड हो जाएगा। एनीवे आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो आपको वो इंक्लूड तो करना ही नहीं है, तो होगा भी नहीं। अब जरा इसका साइन स्केल प्लॉट करते हैं। साइन स्केल तो नंबर लाइन लेते हैं और ये आपने साइंस स्कीम जो है 11th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा इसे इजी पढ़ा होगा जो मैं कर रहा हूँ। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, वहां पे आपने सिंगल पॉलिनोमियल का साइंस स्कीम निकाला होगा तो इसीलिए मैं उससे एक स्टेप आगे लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 12th है। तो अब जो है ये जो वैल्यूज है तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 1/2 है। तो सपोज आपका ये पॉइंट जीरो ले लेते हैं, सारे वैल्यू तो पॉजिटिव है। फिर एक पॉइंट हो गया आपका 1/2, फिर उससे बड़ा कौन सा है 1, फिर उससे बड़ा कौन सा है 2 और 4। अब हम जरा ये देखते हैं, ये एक्सप्रेशन है कि अगर हमारा पहले हम ये देखते हैं कि 4 से बड़ा है अगर x तो क्या होगा। तो अगर x 4 से बड़ा है तो ये नंबर भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों तो स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगे ही होंगे, उसे साइन चेंज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। ये भी हमारा पॉजिटिव होगा तो बेसिकली आपका साइन पे इफेक्ट तो यही दोनों डालने वाले हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये पावर 4 है तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है। जो भी साइन चेंज कराएगा आपका ये टर्म कराएगा और ये टर्म कराएगा साइन चेंज। तो x ग्रेटर देन 4 के लिए दोनों ही पॉजिटिव होने वाला है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इधर आपका करते हैं पॉजिटिव। तो अब 4 से 2 के बीच में, 4 से 2 के बीच में क्या होगा हमारा, इन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने हैं। तो 4 से 2 के बीच में तो x ग्रेटर देन हाफ पे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और 2 से बड़ा अगर है x से तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो यानी इधर भी हमारा पॉजिटिव ही होने वाला है, यहाँ भी पॉजिटिव होने वाला है। उसी तरह से अगर x ग्रेटर देन 1 है, अगर आपका x 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है x, तो ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव यानी ये लेस देन 0, तो यहाँ पे हमारा लेस देन 0 होगा ये वाला। अब x अगर हाफ से 1 के बीच में है तो क्या होगा, इधर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये पहले देख चुके हैं। हाफ से बड़ा है x तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव ये नेगेटिव हो गया इधर। और अगर आपका x 0 से हाफ के बीच में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जीरो से हाफ के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव बाय, ध्यान देते हैं,
एक्स अगर जीरो से हाफ है तो ये हमारा नेगेटिव होगा और ये भी हमारा नेगेटिव ही होगा, यानी नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और एक्स अगर जीरो से छोटा है उस केस में क्या है, जीरो से छोटा है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो साइन चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो इनमें से किसी का रूट है नहीं। और ऐसे भी देख लेते हैं, एक्स अगर जीरो से छोटा है तो ये तो नेगेटिव ही है और ये भी नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, तो ये नेगेटिव बाय नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग मैं एक आपको इसमें इसे एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये तो हमने सारे रूट पे वैल्यू चेक करके देखे। तो x इक्वल टू फोर का पावर, x माइनस फोर का पावर फोर है और x ग्रेटर देन फोर के ग्रेटर देन फोर पे ये पॉजिटिव है, अब बाकी सारे भी पॉजिटिव रहेंगे तो फोर के आगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा वैल्यू। मैं इस तरह से प्लॉट करता हूँ, इसके ऊपर है यानी जीरो से बड़ा है। अब x माइनस फोर का पावर फोर है यानी इससे साइन चेंज होने वाला नहीं है, तो फोर के लेफ्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा, फोर से टू भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर इवन पावर्स है तो इवन पावर्स डजंट, इसमें मैं लिखता हूं एक नोट आपको लिखता हूं यहां पे, इवन पावर ऑफ पॉलीनोमियल डजंट lead to sign change। ये ध्यान देने लायक बात है, काफी important बात है, ये ध्यान देना है। Even power है तो वो तो हमेशा ही positive रहेगा, greater than zero रहेगा, तो वो sign change तो करेगा नहीं, तो इसीलिए sign change हमारा यहाँ पे हुआ नहीं। four के इधर भी right है, four के इधर भी four के इधर right भी positive है, four के left भी positive है, क्योंकि x minus four का power four था। अब x इसके बाद कौन सा रूट है, x equal to 2 है, 2 क्या है हमारा, 2 जो है odd power है, x minus 2 का power 1 है, तो इसके left right में sign change होगा। और हम देख रहे हैं इधर plus था इधर minus हो गया, ये इसके नीचे नीचे है, और x equal to 1, x minus 1 पे x minus 1 का square है, तो इसके भी left right में sign change होगा नहीं, तो इसलिए ये नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रह गया, नेगेटिव ही रह गया। अब x इक्वल टू हाफ, x माइनस हाफ, x माइनस हाफ का पावर क्या है, 2x माइनस 1 जो है, इससे यहां से ये सॉल्यूशन था x इक्वल टू हाफ, तो 2x माइनस 1 का पावर क्या है, ऑड पावर है, पावर 1 है, तो इसके लेफ्ट राइट में साइन चेंज होगा। तो इधर आपका था नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव हो गया जो कि दिख रहा है, यानी इधर आपका सॉरी इसको इसके ऊपर प्लॉट करने के लिए पॉजिटिव है। तो इस तरह से जो हमने किया है, इस तरह का जो बनाया, इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड कहते हैं, वेवी कर्व मेथड कहते हैं, वेवी कर्व बस एक नाम है कि इस तरह से वेव हो रहा है कर्व जो है, इसलिए तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ऑड पावर और इवन पावर देख करके हम समझ लेते हैं कि हमको चेक नहीं करना पड़ता है वैल्यूज, वैल्यू सारे जो है सारे एक्सप्रेशन के वैल्यू चेक नहीं करने पड़ते हैं। इवन पावर है तो उसके लेफ्ट राइट में साइन चेंज नहीं होगा, उसके राइट में आपको देख लेना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कंटिन्यू होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कंटिन्यू होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं होप कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वो लोग आगे साइंस की को और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर वन माइनस एक्स और आपका एक्स माइनस थ्री का क्यूब टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, केवल न्यूमरेटर है, केवल पॉलीनोमियल है, पिछला वाला रैशनल फंक्शन था, ये केवल पॉलीनोमियल है। तो अब यहां पे इसको जरा हम लोग यहां पे 1 माइनस एक्स है
तो इसको हम लोग इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस टू का स्क्वायर इंटू, ये माइनस ले लिया क्योंकि 1 माइनस x था, तो मैं उसको x माइनस 1 कर रहा हूँ, x माइनस 1 कर रहा हूँ तो माइनस बाहर आ गया। द x माइनस 3 का क्यूब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। यानी कि हमारा ये वाला पार्ट जो है इधर नेगेटिव है, इधर माइनस लगा हुआ है, तो यानी ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहां से लेके यहां तक ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, और उसको ये माइनस जो है, ये वाला पार्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और इधर जो है आपका माइनस है, माइनस वन है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, माइनस टू का स्क्वायर, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री का क्यूब, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस वन हमने हटा लिया। तो अब ये ग्रेटर देन जीरो कब कब होगा, ये चेक करना है। सेम वे हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे कि ये जीरो कब होता है, ये जो एफ एक्स है वो जीरो कब कब होता है, क्योंकि जहां जहां उसका सोल्यूशन होगा, जहां जहां रूट होगा, उसी के लेफ्ट राइट में आपका साइन चेंज होगा। यानी कि क्या आया, एक्स इक्वल टू टू है, यहां से टू पे होगा, वन पे, थ्री पे, फोर पे। तो अब जरा इसका साइन स्कीम प्लॉट करते हैं, और हम लोग वेवी कर्व मेथड ही यूज करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा रूट जो है फोर है, फोर है, उसके बाद थ्री है, वन है, सॉरी टू है और वन है, ये हमारे इसके ये हैं। तो x अगर ग्रेटर देन 4 है तो ये टर्म क्या होगा, ये ग्रेटर देन 4 है तो ये तो स्क्वायर है, तो ये इफेक्ट डालेगा नहीं, बाकी सारे भी x ग्रेटर देन 4 पे पॉजिटिव होंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पे पॉजिटिव होंगे, x इक्वल टू 4 पे ये 0 हो जाएगा, और 4 से ग्रेटर में तो ये तो खैर एनीवे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, बाकी सारे जो है 4 के 4 से राइट में जो है बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, तो 4 के राइट में पॉजिटिव है, ये ले लिया। अब सेम वे हम लोग देखेंगे कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर था, तो इस सॉल्यूशन पे साइन चेंज होगा नहीं, तो यानी ये इधर ही पॉजिटिव ही रह जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब x माइनस 3 का होल क्यूब है, तो ये ऑड पावर है, तो इसके दोनों साइड साइन चेंज होंगे, तो इधर प्लस है तो लेफ्ट में आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, तो इससे भी साइन चेंज होगा नहीं, इससे साइन चेंज होगा नहीं, तो यानी इसके दोनों साइड से साइन सेम रहेगा, 2 से राइट जो है नेगेटिव है, तो 2 के लेफ्ट भी आपका नेगेटिव ही हो जाएगा। फिर अब 1 पे देखते हैं, 1 का क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो इसके दोनों साइड लेफ्ट राइट में साइन चेंज होंगे, तो 1 से आगे नेगेटिव है, यानी 1 से इधर जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि ये कितना तुरंत में हम निकाल पाते हैं, इसका साइन स्कीम जो है हमने तुरंत में निकाल लिया वेवी कर्व यूज करके। अब इसका हमको क्या क्या, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख रहा है, तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका क्या क्या होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फोर पे जीरो हो रहा है तो फोर को इंक्लूड करना है, यानी कि आपको, हम जरा इंटरवल चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है यानी कि इधर तो आपका माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के वन तक पॉजिटिव है, यानी ये वैलिड है, तो आपका एक इंटरवल हो जाएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा वन, वन को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू जीरो भी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इक्वलिटी भी है, तो वन पे जो है क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इंफिनिटी एक आइडिया है, एक नंबर नहीं है। ये एक इंटरवल यहां से यहां हो गया यूनियन। अब दूसरा इंटरवल, दूसरा इंटरवल जिसके लिए वैलिड है, तब हम देख रहे हैं कि 3 से 4, तो दोनों को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी है, 3 से 4 में भी ये पॉजिटिव होगा और 3 पे 0, 4 पे भी 0 होगा, 3 से 4 ही नहीं, 3 से लेकर के पूरा 4 के आगे भी है, 4 के आगे भी है यूनियन, ये 3 से इधर 4 के आगे भी पॉजिटिव ही है यूनियन, 4 से इंफिनिटी है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, दिस इज द आंसर, यही आंसर है, क्योंकि x के ये वैल्यूज के लिए x एलिमेंट ऑफ
x के इस इंटरवल के लिए, x एलिमेंट ऑफ x के लिए ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आपका ये वाला लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग जो मेथड पहले सीखे, कितनी आसानी से उससे हमारा इनइक्वालिटी का, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ जाता है, साइन स्कीम से निकल के हम लोग कर लेते हैं। और कैसे हमारा ऑड पावर पे साइन चेंज होता है और इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता है, यहां मैं लिख देता हूं। यहां पे आपका ये साइन स्कीम हमने प्लॉट किया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ये एग्जांपल क्या है, ये क्वेश्चन है 2x plus 3 का मॉड plus 1 equal to 4। मॉडुलस के अंदर ये नंबर है और ये दिस इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमने ये किया हुआ था कि सपोज आपका मॉड ऑफ कोई एक नंबर है, मॉड ऑफ a इक्वल टू कुछ आता है, कोई नंबर होता है, सपोज इस केस में 1 4 है, तो ये ऐसा है, तो a का वैल्यू जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस माइनस 4 a प्लस हो या माइनस हो उसको ये पॉजिटिव तो कर ही देता है। तो सेम वे आपका इसको आप सिंपलीफाई करके, मॉड के अंदर ये नंबर है तो यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये आपका 2x सिंपलीफाई किए 2x plus 3 plus 1 equal to plus minus 4, ये हो गया हमारा। अब इसको, अब इसमें दो केसेस आ रहे हैं, दो केसेस आ रहे हैं। तो पहले तो केस 1 लेना है, क्योंकि ये प्लस 4 है एक माइनस 4 है, तो केस 1 हम प्लस 4 माइनस 4 लेते हैं पहले, कि 2x plus 3 plus 1 equal to minus 4, ये एक केस है। और दूसरा केस है 2x plus 3 plus 1 equal to plus 4, ये दो केसेस हैं। तो पहले केस 1 को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। यहां से मॉड ऑफ 2x plus 3 plus 1 को इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, इधर माइनस 5 हो जाएगा। अब ये जो है ये मॉडुलस के अंदर है, ये मॉड का वैल्यू जो है हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ये नहीं, ये केस नहीं होगा, यानी ये माइनस 4 तो नहीं होगा। ये केस आपका खत्म हो गया। अब ये केस देखते हैं, प्लस 1 को उधर लेकर के जाते हैं, इक्वल टू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो सेम वे, अब ये पॉजिटिव नंबर है तो यहां ये होगा, यहां से क्या लिख सकते हैं, ये मॉड के अंदर ये नंबर है, दिस इज इक्वल टू 3, यानी 2x plus 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहां भी फर्दर दो केसेस बन गए, दो आ गए। तो एक में आप, मैं यूज करूंगा, एक में जो है इसको माइनस लेते हैं, और एक केस में पॉजिटिव लेते हैं, इसको मैं बोलता हूं केस 1 और इधर केस 2, ठीक है। अब 2x plus 3 equal to minus 3 है, 3 उधर गया, तो 2x equal to minus 3, minus 3 हो जाएगा minus 6, और x equal to minus 3, ये सॉल्यूशन इसमें से निकल के आ रहा है, इस केस में से क्या सॉल्यूशन आ रहा है, 2x plus 3 equal to 3, यानी 2x equal to 0, that means x equal to 0, तो ये आ रहा है। यही दोनों हमारे सॉल्यूशन हो गए, x equal to minus 3 and x equal to 0। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को ब्रेक कर करके आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ था, इस तरह से मॉड के अंदर मॉड था, और कैसे मॉड का प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको सॉल्व किए। तो हमारा सॉल्यूशन है x equal to minus 3 और 0, ये दोनों ही हमारे सॉल्यूशन हैं। यही दोनों आंसर है, x equal to 0 comma minus 3, this is answer। तो हम लोग मॉडुलस को बेस्ड ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ग्राफ स्केचिंग है,
So sketch the graph y equal to x mod x, x into mod x है, इसका ग्राफ आपको स्केच करना है। यहाँ पे mod x है। अब सपोज आपका इसमें भी दो केस बनेंगे, सपोज आपका x जो है greater than zero है, greater than or equal to zero है, ये केस है। तो सॉल्व करते हैं। केस वन ये है, और केस टू हमारा ये है x इज लेस देन जीरो, पार्ट लिया हमने। तो केस वन अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मॉड x क्या होगा, मॉड x आपका मॉड x जो है x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर देता है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है उसका। तो मॉडुलस जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। तो अगर x आपका ग्रेटर देन जीरो है तो ये सीधा सीधा x यू निकल जाएगा। x यू निकल गया तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो गया इस केस के लिए, इस केस के लिए हमारा x इंटू मॉड x हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, यानी y इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। फॉर x ग्रेटर देन जीरो हमारा ये हुआ। और अब अगर x लेस देन जीरो है तो इस केस के लिए मॉड x जो है क्या हो जाएगा, वो माइनस x हो जाएगा, क्योंकि x चूंकि लेस देन जीरो है तो माइनस x कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। हाँ, ये हमारा मॉड x जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है, ये ग्रेटर देन जीरो होता है, ये हमें पता है। तो मॉड x जो है हमारा माइनस x के बराबर हो गया है, तो अब ये एक्सप्रेशन जो है y इक्वल टू x मॉड x वो क्या हो गया, x इंटू माइनस x, जो कि आ गया आपका माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर। तो x लेस देन जीरो के लिए y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर है, और x ग्रेटर देन जीरो के लिए y इक्वल टू x स्क्वायर है। अब ग्राफ हमको स्केच करना है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें, तो एक सेकेंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला है, ऐसा होता है y इक्वल टू x स्क्वायर, इधर आपका प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो, इस तरह का होता है, ये जीरो से ऐसे इंफिनिटी चला गया, इधर भी प्लस इंफिनिटी चला गया। अब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होता है, अगर माइनस एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ बोलूं तो क्या ऐसा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होगा, इसी को इन्वर्ट कर दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर निकल गया, मिल गया, वो यू हो जाएगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर ग्राफ है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब ठीक है, हमको एक्स मॉड एक्स का प्लॉट करना है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी ग्रेटर देन जीरो के लिए हमको ये वाला पार्ट ले लेना है, ये वाला पार्ट ले लेना है, ये वाला पार्ट ले लेना है, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला पार्ट लेना है, और लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी हमको ये वाला पार्ट लेना है, लेस देन जीरो के लिए जीरो से इधर हमको ये वाला पार्ट लेना है। तो इन दोनों को तो दैट मीन्स अगर आपको y इक्वल टू x मॉड x है तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, उसका ग्राफ जो है ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट u, और लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसा ये हमारा x मॉड x का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू x मॉड x का हो गया ग्राफ। तो हमने देखा कैसे ग्राफ को स्केच करते हैं अगर मॉडुलस है, अगर मॉडुलस है तो हमेशा हम उसका कंडीशन निकालते हैं, यहाँ x मॉड x था तो ये मॉड x, x जो है मॉड x को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, x जीरो के लिए मॉड x जो है हमारा आ गया x, और
एक्स एक्स इज इक्वल ये हमारा माइनस एक्स हो गया, तो मॉडुलस को हमने पहले इसमें हम एक्सप्रेशन में से हमने पहले मॉडुलस को हटाया और उसके कंडीशंस बना करके, और इस तरह से हमारे दो केस बने फॉर डिफरेंट डोमेन का इंटरवल, ग्रेटर देन 0 के लिए ये बना और लेस देन 0 के लिए ये बना, तो कोरस्पोंडिंग ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर था, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये हमारा ये वाला ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए, शुरुआत में कुछ एग्जांपल्स कर लिए, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, एक्सपोनेंशियल कांसेप्ट को देखा, और उसके बाद साइन स्कीम देखा, और कुछ सवाल को, कुछ मॉडल से बेस्ड कुछ सवाल, कुछ एग्जांपल्स किए हमने। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, मैं होप कर रहा हूँ, और जो भी डाउट हो उसे पूछ सकते हैं, और डाउट जो भी हो, जैसा भी हो, जितना छोटा भी डाउट हो, आपको लगता हो कि नहीं सर सोचेंगे मुझे ये भी नहीं आता है, ये मैं कैसा लड़का हूँ, मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, और गर्ल्स ऑल्सो मैं कैसी स्टूडेंट हूँ, मैं ढंग से पढ़ाई नहीं करती हूँ, या सर के नजर में, सर के इसमें मेरा क्या इमेज बनेगा, तो ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है। यही बातें हैं जो आपको पीछे लेके जाती हैं। आपको जो भी डाउट हो एकदम तुरंत पूछना है, जैसा भी डाउट हो। ठीक है, इसी के साथ हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फंडामेंटल के लेक्चर को और आगे लेकर के बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।